हेलो एवरीवन डेट है आज की ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़ पेपर का एनालिसिस करेंगे साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स पेपर से रिलेटेड इसमें होंगे वो डिटेल में नोट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल जो अपन ने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग इन रिसर्च सफर फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट एम्स टू मेजर द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटीज सेकेंड इट इज़ एन इनिशियेटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो ये जो क्वेश्चन है आपको अटैम्प्ट जरूर करना है जो भी आंसर बने जैसा भी बने आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए देन सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इट इज़ सेकेंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इट इज़ अ स्पेसलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेकेंड इट इज़ एस्टेब्लिस्ड इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव इन द आफ्टर मैथ ऑफ नेशनल इंडियन ओशियन सुनामी सो विच ऑप्शन आर करेक्ट ए ओनली वन बी ओनली टू सी वो वन एंड टू एंडी नाइ दर वन नॉट टू तो इसके बेसिस पे आपको अपने आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स अवर न्यूज पेपर सो पेपर स्ट्रिप बायरस टेस्ट टू बी आउट सून जो पेपर स्ट्रिप स्ट्रिप जो बायरस टेस्ट है वो जो है साइग्नोसिस के, के लिए यूज किया जाना है और ये जो है डेवलप किया गया है सी एस आई आर जो है उसकी आई जी आई बी जो एक यूनिट है वहाँ से और इसको अप्रूव कर दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कमर्शियल लॉन्च के लिए और जो टेस्ट है उसमें नाइन्टी सिक्स परसेंट सेंसटिविटी है तो ये थोड़ा अच्छा टेस्ट है बिकॉज आर टी पी सी आर टेस्ट जो है उसमें नाइन्टी फाइव परसेंट ओनली सेंसिटिविटी है और नाइन्टी नाइन परसेंट स्पेसिफिसिटी है मींस कोई व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके बेसिस पे ये सही रिजल्ट देता है अब ये जो टेस्ट है उसका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसको वन पॉइंट फाइव आर्स लगते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है इट टेक्स थर्टी टू फोर्टी मिनट एंड ट्रू नाइट टेस्ट टेक सिक्सटी मिनट्स फॉर दिस पर्पज़ और ये जो है जैसे प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है उसमें कलर वेस्ड होती हैं द पेपर स्ट्रिप जनरेट टू लाइन्स फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड वन लाइन इन केस ऑफ नेगेटिव रिज़ल्ट लेकिन ये उसके जैसा ही है बट ये एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है और वो एक प्रोटीन बेस्ड टेस्ट है अब इसके बेसिस पे एक बार ये जो टेक्नोलॉजी है एफ ई एल यू डी ए इसके बेसिस पर नोट्स के बेसिस पर देख लेते हैं इसको इट इज़ अ लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट दैट कैन बी डिटेक्ट न्यू कोरोना वायरस ये है साइंटिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उसकी जो यूनिट है उसकी जो लैब है इंस्टीट्यूट ऑफ सिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी उन्होंने ये डेवलप किया है आर टी पी सी आर जो है वो उसका कॉस्ट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड होता है बट इट कॉस्ट ओनली फाइव हंड्रेड रुपीज़ और जो टेस्ट है वो बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के अंदर एक इम्यून सिस्टम पे बेस्ड एक प्रोटीन होता है दैट इज़ सी ए एस नाइन तो उसका वो यूज़ करता है इट यूज कटिंग ए जीन एडिटिंग टूल जो जीन एडिटिंग टूल सी आर आई एस पी आर है क्रिस्टल क्लस्टलरी रेगुलरली इंटरस्पेट सॉल शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी आर आई एस पी आर सी ए एस नाइन सिस्टम तो इसमें क्या होता है जो जीन्स हैं वो बायो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल की फिजिकल एट्रीब्यूट और उनके हेयर कलर स्किन इस, का कलर और उनका जो बिहेवियल ट्रैक्स है उसके बेसिस पे अब है और यहाँ पे ये यह जो सी आर आई एस पी आर है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी जो कि नॉर्मली जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है फाइंड एंड रिप्लेस तो वैसे ही अगर डीएनए में एक पर्टिकुलर जो जीन है उसमें कोई एम्बिगुटी है उसमें कोई कमी है सो दैट कैन बी एडिटेड विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्पर सी ए एस नाइन प्रोटीन ठीक है तो ये एक मतलब एक टारगेट जो पर्टिकुलर टारगेट होता है डीएनए का वहाँ पे कोई चेंजेस लेके आने होते हैं तो उसके बेसिस पे ये जीन की एडिटिंग करता है एक स्पेसिफिक जीन को ये टारगेट करते हुए करता है उसमें एडिटिंग लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न भी हैं इससे क्या होगा जो ह्यूमंस का एक बार अगर जीन में थोड़ा सा भी चेंजेस आ गए तो उसके बेसिस पे वो पर्सन जो है फिर उसके जो प्रोजनी होंगे उस पर उसके जो ऑप्स्प्रिंग होंगे उनमें वो चेंज इवॉल्व होके आएगा तो अब साइंटिस्ट का कंसर्न ये है कि वो जो चेंज है इवॉल्व होकर आएगा उसके बारे में अनुमान uh, नहीं लगाया जा सकता कि किस तरह का वो चेंज होगा तो ये चेंज जो है वो आगे चल के हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने uh, इसमें थोड़ा कौशन रखने की सजेशन uh, दिया है देन स्टडीज़ हाईलाइट दैट सी आर आई एस पी आर सी एस नाइन एडिटेड सेल माइट ट्रिगर कैंसर देन मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ म्यूटेशन एल्सवेयर अब अगर सपोज़ म्यूटेशन वी आर ब्रिंगिंग एट पर्टिकुलर साइट ऑफ द डीएनए इन पर्टिकुलर जीन और अगर उसका जो आफ्टर मैथ है उसका जो इफेक्ट है कहीं और उससे जो जीन है वो म्यूटेट हो जाता है या उसकी जो बर्क करने की टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है इससे पूरा ही जो बॉडी का सिस्टम है वो बिगड़ सकता है सेल का सिस्टम है जो बिगड़ सकता है तो इसके साथ इथिकल कंसर्न ये है कि uh, जो ह्यूमन एम्ब्रायो है उसका जैसा कि वो आ रहा है दुनिया में उसको वैसे नहीं रहने दे रहे हैं उसको चेंज कर दे रहे हैं तो नेचर के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है दिस इज़ द कंसर्न नाउ नेक्स्ट वन इज सी बी आई रिमूव्स हाथरस एफ आई आर फ्रॉम वेबसाइट अब ये जो हाथरस का इशू है इसमें सबसे पहले जो हाथरस है वहाँ पे एफ आई आर रजिस्टर हुई थी उसमें अटैम्प्ट मर्डर की जो केस uh, है वो बनाया गया था बट सीबीआई uh, के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है uh, वो केस रजिस्टर करने को बोला और उसके ऊपर जो है एक्यूज के ऊपर सीबीआई ने जो है वो केस रजिस्टर कर लिया अब यहाँ पे ये इशू इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए इशू इम्पोर्टेंट है सीबीआई कि हाउ डज सी बी आई वर्क और उसका वर्क कैसे रेगुलेट किया जाता है तो दैट वी हैव टू सी सी बी आई कैसे वर्क करती है और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिया की जो है प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और, और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको हेड करता है और जो भी इन्वेस्टिगेशन है अंडर प्रवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगर उससे रिलेटेड ये कोई भी काम करता है तो इसकी इसको हेड कौन करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देन इट इज़ नोडल एजेंसी इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज जो इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये एक नोडल एजेंसी है मीन्स उनके बीच में एक चेन uh, ज्वाइन करती है देन सी बी आई का जो कन्विक्शन रेट है वो सेवन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट है मीन्स ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है वर्ल्ड में अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को कैसे अपॉइंट किया जाता है जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट टिल 2014 2014 जो है वो डीएसपीई एक्ट जो दिल्ली स्पेस पुलिस एक्ट है उसके बेसिस पे किया जाता था लेकिन आ, जो 2003 में डी पी एक्ट में चेंज किया गया कमेटी हैड द मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक रिवेंस वो अपने रिकमेंडेशन भेजते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए लेकिन जब 2014 से लोकपाल एक्ट आया तो उसके बाद जो कमेटी जो अपॉइंट करती है सीबीआई डायरेक्टर को उसके डायरेक्टली हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मेंबर्स होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जज होम मिनिस्ट्री सेंड अ लिस्ट ऑफ उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है सबसे पहले लिस्ट बनाती है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी सीनियरिटी इंट्रग्रिटी उनके वर्क ट्रांसपेरेंसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे और फिर वो सेंड करती है कमेटी को फिर कमेटी डिसाइड कर लेता है अब सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं उनको टू इयर्स की सिक्योरिटी मिलती है टेन योर की जो कि सी बी सी एक्ट टू थाउजेंड थ्री के वजह से मिलती है नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज सिटीजन पैनल टू प्रूव नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स अब जो नॉर्थ ईस्ट डेली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे जो राइट्स हुए थे उस आ, उसको जो है प्रूव करने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए एक कमेटी जो है वो वर्क कर रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं जस्टिस मदन लोकर फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस ए पी साह ठीक है ये सारे जो जजेस हैं वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो रिपोर्ट देंगे आफ्टर थ्री मंथ यहाँ पे जो ब्रॉडर इशू है जो इस आर्टिकल से जो अपन को ब्रॉडर इशू मिलता है दैट इज़ कम्यूनल वायलेंस कि कम्यूनल वायलेंस को कैसे जो है वो टैकल किया जाए कैसे कम्यूनल वायलेंस इरप्ट होती है और कम्यूनल वायलेंस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके बेसिस पे नोट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कम्यूनल वायलेंस जो होती है वो क्यों आ, देश के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है न्यू डेली में सबसे वर्स्ट जो कम्युनल वायलेंस हुआ था न्यू डेली रॉयट्स बेस्ड ऑन ग्रोइंग ग्रोइंगोमिटी एंड डी स्टेबलाइजेशन ऑफ कम्युनल हारमोनी जो समाज में जो भाईचारा होता है उसके बेस उसको पूरा तोड़ दिया गया था ऑन इन द बैकग्राउंड ऑफ़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि जब आया भी नहीं था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तो भी उसके बेसिस पे जो है रॉयड्स हो रहे थे अब कम्युनलाइजेशन क्या होता है कम्युनलिज्म क्या होता है रेफर्स टू द पॉलिटिक्स दैट सीक्स द यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजियस आइडेंटिटी और उसमें जो दूसरी कम्युनिटी है वो हैजा मुनिस्टिक हो जाती है मतलब उसको लगता है कि वो पूरी तरह से एक कम्युनिटी को अपने स्ट्रेंग होल्ड में ले लेगी उसको होल्ड करेगी तो उसके बेसिस पे कम्युनल राइट्स होते हैं सबसे पहला जो फैक्टर है कंट्रीब्यूटिंग कम्युनल राइट्स इसमें है डिस्ट डिसरप्टिक इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है कम्युनल राइट्स को स्प्रेड uh, करने में जो भी फेक न्यूज़ होती है कोई uh, कोई इन्फॉर्मेशन है कुछ और uh, पहुंचती कुछ है हेट मैसेजेस हैं वो डिलीवर होते हैं और बहुत इमीजिएटली ही पहुंच जाते हैं जिससे कि uh, जो है राइट्स फैलते हैं दैन मैन मीडिया जो है वो मीडिया एथिक्स और न्यूट्रैलिटी ना रख के जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं वो आइदर लेफ्ट और राइट इस तरह से हो जाते हैं वो न्यूट्रल नहीं रहते हैं वो एक पर्टिकुलर आइडोलॉजी से अटैच हो जाते हैं जिससे कि सोसाइटी में प्रॉब्लम होने लगती है देन लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन पीपल जो हैं वो अपने मन से कुछ भी नहीं सोचते वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं कोई ना कोई एक लीडर होता है या कोई मीडिया या सोशल मीडिया वो खुद अपने अपने मन से गुड और बैड के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाते दैन मेजोरिटेरियन हैज़ मनी एंड माइनॉरिटी इन इनसेटीज़ अब जो राइट्स होते हैं वो इसके बेसिस पे होते हैं जो मेजोरिटी है उसकी थिंकिंग ये होती है कि वी आर ग्रेट इन नंबर सो वी शुड रूल द अदर्स तो इसके बेसिस पे जो है जो भी कंट्री है उसकी प्रोग्रेस में पूरी तरह से उनका जो मेजोरिटी है अगर वो अपनी बात रखेगी तो माइनॉरिटी अपनी बात फिर कहाँ रखेगी इसके बेसिस पे भी जो राइट्स हैं वो होते हैं अब कम्युनल वायलेंस का इम्पेक्ट क्या है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है और सोशल डिसोनेंस मतलब जो समाज है उसमें जो लोग आपस में एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते हैं फिर वो नहीं रह पाते अब इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं सेक्युलरिज़म की स्टेट डज नॉट रिकोगनाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड स्टेट रिलीजन तो फिर उसके बेसिस पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है तो जो पुलिस है उसको वेल इक्विप्ड होना चाहिए बे फॉरवर्ड ये कहता है कि जो पुलिस है उसको वेल इक्विप्ड होना चाहिए कोई भी जो कम्यूनल वायलेंस है जो uh, उसको होने से पहले ही पुलिस को ये सारा उनका जो इंटेलिजेंस है वो उसको इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कि वो आ, इन सब चीज़ों को पहले से ही आ, जो है होल्ड कर ले नाउ नेक्स्ट वन इज़ ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है दी यू जी एडमिशन इन डी यू बिग इन टेन ए एम टूडे थ्री फ्रेंड्स स्किल्ड देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सी एम फैमिली टेक पार्ट इन डेंगू कैंपेन अब जो सीएम की फैमिली टेक पार्ट इन डेंगू कैंपेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेंगू इंपॉर्टेंट है डेंगू जो है वो एड, एजिप्टी जो है वो मॉस्किटो उसका बैक्टर होता है उसके बेसिस पे जो मॉस्किटो है अगर वो सुबह या रात में पर्सन को वाइट करता है तो उसके बेसिस पे जो है वो डेंगू फीवर होता है ये थोड़ी थोड़ी सी बात आप याद रख सकते हैं आप इस वीडियो को कब देख सकते हैं जैसे सपोज़ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है टाइम का आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तब आप इस वीडियो को ऑन करके रख सकते हैं और जब वीडियो चलता रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपके सब माइंड में मोर देन फिफ्टी परसेंट तो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो इसके बेसिस पे लोगों का कंसर्न ये होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता तो सुन नहीं पाते हैं वीडियो या देख नहीं पाते हैं तो आ, आप ऐसा भी कर सकते हैं देन उड़ीसा गवर्नमेंट साउंड अलर्ट्स फॉर हैवी रेन जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने हैवी रेन का जो अलर्ट है वो दिया है यहाँ पे येलो वार्निंग उड़ीसा ने इशू की है तो इसके बेसिस पे जो है वो वार्निंग का जो सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं एक बार कोडेड वेदर जो वार्निंग होती है ये आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इशू करता है पीपल को अवेयर करने के लिए कोई भी जो सीबियर या हेजार्डस वेदर होता है जो कि डैमेज कर सकता है जो बायो बायो स्प्रेड डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है डेंज़र क्रिएट कर सकता है लाइफ के लिए तो उसके बेसिस पे होती है आप जो वार्निंग्स हैं वो डेली अपडेट होती हैं और इसमें फोर कलर्स कोड्स होते हैं सबसे पहले जो ग्रीन कोडिंग ग्रीन कोड दिया जाता है दैट इज़ ऑल इज़ वेल तो नो एडवाइजरी इशू नहीं की कोई भी एडवाइजरी इशू नहीं की जाती देन येलो वी अवेयर येलो इंडिकेट दैट सीवियरली बैड वेदर स्पैनिंग स्पेनिंग्रॉस सेवरल डेज अब यहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है कि जो वेदर है वो बुरा ही रहने वाला है कुछ दिनों तक तो हो सकता है और बुरा हो जाए जिससे कि डिस्ट्रप्शन कॉज होगा डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए देन ऑरेंज या एम्बर जो है उसके बेसिस पे एक्सट्रीमली बैड वेदर हो सकता है पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रप्शन और जो भी रोड हैं रेल हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा देन रेड तो रेड एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशन सर्टेनली गोइंग टू डिस्टर्ब ट्रैवल पावर ह्यूज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ लाइफ तब रेड अलर्ट इशू किया जाता है यहाँ पे जान लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है इट वाज इस्टेबल इन 1875 इट इज़ एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा वो बोलेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आता है आई एम डी बट इट इज़ कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हैं उसको करने वाली ये प्रिंसिपल एजेंसी है देन नेक्स्ट वन अपना जो आर्टिकल है सबसे पहला एडिटोरियल है यहाँ पे जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है दैट इज़ सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने क्या बात की किस बेसिस पे क्या उन्होंने अपनी बातें रखी क्या पर्सपेक्टिव था उसके बेसिस बात करेंगे फिर जो सेकेंड आर्टिकल है ये जो है ये पर्सन विवेक काजजू ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं इन्होंने अपने ग्रैंड uh, फ़ादर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से कुछ इंस्टेंस लिए हैं और उसके बेसिस पे ये बताया है कि जो स्पेनिश फ्लू है जो 1918 में आया था वो लोगों के कलेक्टिव कॉन्सियसनेस में नहीं है तो क्या अभी भी लोग स्पेनिश फ्लू को याद नहीं रखते हैं राइटर का कहना है तो क्या बाद में जब इतना टाइम चला जाएगा तो क्या लोग कोविड को याद रखेंगे उसके बेसिस पे ये आर्टिकल है द नेक्स्ट जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको जो नोबल प्राइज़ दिया गया है उसके बेसिस पे ये नेक्स्ट uh, आर्टिकल है इसमें ये बात की गई है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा अदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें जो लोग हैं उनको जो है वो फूड प्रोवाइड किया जा सके अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो वैक्सीन है वो एक ग्लोबल कॉमन गुड है कॉमन ग्लोबल कॉमन गुड मीन्स इट इज़ इट शुड नॉट बी ओन बाय पर्टिकुलर कंपनी और अ पर्टिकुलर पर्सन ये कॉमन गुड है वैक्सीन आज की कंडीशन में इन्होंने इसमें एक इंस्टेंस भी दिया है कि जो जब पोलियो वैक्सीन जो है उसकी डिस्कवरी की थी तो जो साइंटिस्ट थे साल्क उन्होंने ये बात रखी थी कि ये जो है वो एक ग्लोबल कॉमन गुड है तो अब इसके बेसिस पे ये पूरा आर्टिकल है द नेक्स्ट वन यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो फ़्री व्हीकल्स का जो कर दिया जाता है और सोशल मीडिया पे न्यूज़ में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स जो कभी बनी ही नहीं उनके बेसिस पे जो है लोगों को बरगलाया जाता है तो उसके बेसिस पे ये आर्टिकल है और नेक्स्ट जो है वो एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट कोकेसस जो आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्या कर सकती है उसके बेसिस पे ये आर्टिकल है तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ सिग्नलिंग ऑप्टिमिज़म तो इसमें जो आर है उन्होंने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें जो थ्री मेंबर्स न्यू अपॉइंट हुए थे वो थ्री मेंबर्स और थ्री मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई साइड उन्होंने ये बोला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेक्स्ट इस करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि मार्च में एंड होगा तब तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिवाइव हो जाएगी अब इसमें जो थ्री एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उन्होंने भी यूनानिमसली वोट किया कि जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उनको हम अनचेंज रखना चाहते हैं और आर जो है वो एकोमोडेटिव स्टैंड्स लेके चलेगी एकोमोडेटिव स्टैंड्स का मीनिंग होता है कि आर जो है वो ईजी मनी पॉलिसी लेके चलेगी जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़े लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो इंटरेस्ट रेट आर कम रखेगी जिससे कि लोग लोन ले सकेंगे बैंक से जिससे कि कम रेट पे अगर लोन मिलेगा तो ज़्यादा लोग लोन लेने जाएंगे और लोन लेने जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा वो कोई ना कोई वो पैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाएंगे जिससे जॉब क्रिएशन अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ होगी तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंस इंस्टेंसेस होते हैं आरबीआई के एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के बेसिस पे ये नोट्स आप एक्सेस uh, कर सकते हैं बिल्कुल फ़्री एक्सेस कर सकते हैं इन नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप जाके ये टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स जितने भी नोट्स हैं डेली के बेसिस पे वो बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो आर का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस है दैट इज़ हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेंस तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है हॉक इन नेचर और अपीरियंस हॉक कैसा होता है वो ऊपर 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 उड़ता है हुँ. मतलब यहाँ पे आर जो है वो अपनी पॉलिसी में एग्रेसिवनेस लेके आएगी तो इसके बेसिस पे ये है इकोनॉमिक टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है अपने जो भी पॉलिसी रेट हैं उनको धीरे धीरे करके बढ़ा देता है तो पॉलिसी रेट्स बढ़ाने की वजह से पॉलिसी रेट्स मतलब जो रेपो रेट है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देता है जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली uh, जो पर्सन है उसका जो बैंक लोन है उसका रेट बढ़ जाता है तो फिर जो कुछ लोग आ रहे हैं लोन लेने के लिए उनसे थोड़े कम लोग आएंगे लोन लेने के लिए जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन को कर्व करने में हेल्प मिलेगी तो इसके बेसिस पे ये है एंड सेकेंड बने इज डॉबिस मोनिट्री पॉलिसी स्टेंट्स अब जो डॉबिस मोनिट्री पॉलिसी स्टेंट्स मीन्स बहुत नीचे जो डॉग है वो बहुत अ, मतलब नीचे रहता है तो जस्ट लाइक डॉग ये डॉबिस जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पॉलिसी रेट्स जो है धीरे धीरे कम करते हैं जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें जिससे कि आने वाले टाइम में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे आगे बढ़ सके अब वहाँ पे जो आर्टिकल अपन ने देखा है उस आर्टिकल में आ, डोबिस मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई है बट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट जो है वो चेंज इसलिए नहीं किए बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन का टारगेट भी उन्होंने रखा हुआ है कि नेक्स्ट नेक्स्ट फिजिकल और नेक्स्ट के नेक्स्ट फिजिकल में इन्फ्लेशन जो है वो कम होने वाला है तो उसके बेसिस पे हो सकता है वो नेक्स्ट जो फिजिकल है नेक्स्ट uh, जो बाई मंथली पॉलिसी है उसमें वो अपना पॉलिसी uh, रेट है वो चेंज करें न नेक्स्ट है एक्मोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी ये जो एक्मोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है इसके बेसिस पे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सभी का भला मतलब सभी के बारे में सभी की जो इच्छा है उसके बेसिस पे काम करती है और ये मनी सप्लाई को बूस्ट करने में हेल्प करता है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे आ सके और जो स्लोइंग डाउन है इकोनॉमी में वो भी खत्म हो सके जो एकोमोडेशन एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है इज इम्प्लीमेंटेड टू अलाउ मनी सप्लाई इन द राइज इन लाइन विद नेशनल इनकम डिमांड ऑफ डिमांड फॉर मनी दिस इज ऑल्सो नॉन एज ईजी मॉनिटरी पॉलिसी अब इसके बेसिस पे देन है न्यूट्रल मॉनिटरी पॉलिसी फोर्थ वन इसमें जो है आर बी आई जो है ना तो uh, अपना जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ाता है ना ही पॉलिसी रेट कम करता है कोई भी जो फ्यूचर है उसका रेफरेंस नहीं देता है तो दैट इज़ न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेंस इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिकल दैट इज़ पेंडेमिक एंड कलेक्टिव कॉन्सियसनेस तो डब्ल्यू एच ओ ने जब थर्टीन इलेवन मार्च को सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बोला था कि ये जो है एक पैंडमिक है और सेम पेंडेमिक जो है 1918 से 1920 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था तब भी इरप्ट हुई थी पूरे वर्ल्ड में और इस्पेशली इंडिया में भी उससे जो है फाइव मिलियन जो लोग हैं सिक्स मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हुई थी और उस समय वो इंडियन पॉपुलेशन का फाइव परसेंट था तो राइटर का यहाँ पे कहना है कि जो लोग हैं उनके कलेक्टिव कॉन्सियसनेस में ये बात नहीं है बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में या जो कुछ राइटर हैं जो पहले जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो है इसको याद रखा है जो स्पेनिश फ्लू था 1918 का उसको याद रखा है अब जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उसको बहुत कम याद रखा है इवन जो उसी के आसपास के इवेंट थे जैसे कि रॉलेट एक्ट का जो एजिटेशन था जलियावाला बाग का जो मैस्केयर था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट था उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है लेकिन ये जो है इसको हाईलाइट नहीं किया जाता इसके बारे में लोगों के अंदर कलेक्टिव कॉन्सियसनेस नहीं है अब कुछ जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि जो इन, इन्फ्लुएंजा है उसने जो भी उस समय हैज़ामोनिस्टिक पावर थे नाइनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी में उनको बहुत ज़्यादा जो है बहुत डिससिवली इम्पेक्ट किया जिससे कि जो भी कंट्रीज़ थी जो भी इंडियन uh, सबकॉन्टीनेंट में जो कंट्रीज़ थी उससे कि ब्रिटिश रूल उनको जो है वो छोड़ के चला गया लेकिन ये एक तरह से राइटर का कहना है कि ये जो है uh, एक थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन बाकी है देन ये कोविड नाइन्टीन जो है वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंजा है सब बहुत सारे लोगों को हुआ है उसके बेसिस पे इसको याद तो रखा जाएगा बट इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट के उसमें याद रखा जाएगा ना कि डेथ के अकाउंट में तो इसके बेसिस पे ये आर्टिकल है अब जो वायरस है वो यूएसए में भी पेंडेमिक में आ, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उनको भी ये वायरस जो है उनको भी अफेक्ट किया उनकी वाइफ को भी अफेक्ट किया तो उसके बेसिस पे हो सकता है इस वायरस को याद रखा जाए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक फ्रेज दी हुई है हिस्ट्री रिकॉर्ड्स द फेट ऑफ लीडर्स इन बैटल्स वन और लॉस्ट नॉट द काउंटलेस नंबर हु पेरिस्ड इन इट सैड फैक्ट अब नेक्स्ट uh, जो आर्टिकल है वैक्सीन विद द ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी तो अब यहाँ पे राइटर ने बताया है कि जो वैक्सीन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है आई दर रिच या फिर पुअर जो वायरस है वो जब uh, कोई भी जो वायरस है वो किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता आई दर रिच और पुअर तो गवर्नमेंट को भी जो है जो वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में वर्क कर रही है तो उसको वैक्सीन को एज अ ग्लोबल कॉमन गुड मान के चलना चाहिए और इसको ग्लोबल कॉमन गुड मतलब सभी के भलाई के लिए फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसका जो पेटेंट है उसको नहीं देना चाहिए अब यहाँ पे एक इन्होंने एनेक्डोट दिया है कि हिस्ट्री हैज़ सोन अस हाउ टू एरेडिकेट डिसीज़ फॉर ग्लोबल गुड ऑफ द कंट्रीज़ जब स्मॉल पॉक्स और जो पोलियो है तो पोलियो की जब वैक्सीन बन रही थी डॉक्टर जॉन सोल कम अप पोलियो वैक्सीन दैट वाज अप्रूव फॉर द जनरल पॉपुलेशन टू यूज़ तो उन्होंने इसको पेटेंट कराने से मना कर दिया और जब उसको उनसे पूछा गया कि कौन इसको ऑन करता है सॉरी हिज आंसर वाज वेल द पीपल वुड से मतलब इसको लोग ऑन करते हैं ऐसा उनका मानना था तो इस तरह की लीडरशिप की अपन को ज़रूरत है जैसे कि सन को कोई भी ऑन नहीं करता लाइक वी आर गेटिंग सन लाइट डेली विदाउट पेइंग फॉर इट लाइक दिस ऑल्सो वी कैन वी शुड डू फॉर दिस अब यहाँ पे जो जॉनी साल का जो मैसेज है वो रिच के लिए जो अमीर लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं वो अल्टीमेटली अगर उनको कुछ होता है तो उससे अफेक्ट तो रिच रिच पर्सनस को भी होगा तो उसके बेसिस पे ये जो वैक्सीन है वो एक ग्लोबल कॉमन गुड होना चाहिए दैन बहुत सारे जो नोबल लॉरियट्स हैं और ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने भी अपील की है कि जो आ, ये जो वैक्सीन है उसको ग्लोबल कॉमन गुड डिक्लेयर कर दिया जाए और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस को ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोला है कि जो नोबल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ऐसा प्रोडक्ट हो जाए विदाउट एनी कमर्शियल ऑनरशिप जिससे कि uh, सभी को इसका बेनिफिट मिल सके दैन नेक्स्ट इज़ फूड फॉर पीस जो नोबल uh, दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसका जो मल्टीलेटरलिज्म में बेनिफिट क्या है जो डिफ़रेंट कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल फूड प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करेंगी बिकॉज़ दे गॉट अ नोबल प्राइज़ तो उसके बेसिस पे उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जिससे कि वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं अब जो एल्फ्रेड नोबल हैं उनका जो ये नोबल प्राइज़ है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए दिया जाता है कि आ, अलग अलग जो पीस कीपिंग uh, में बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं उनको दिया गया है जो इस साल जो प्राइज़ है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस को दिया गया जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था हंगर और जो है डिज़ास्टर स्टक साइड में वर्क करने का उसके बेसिस पे ये दिया गया है और जो भी हंगर इन यमन कॉन्गो नाइजीरिया साउथ सूडान एंड बोर्कना फासो उसके बेसिस पे इन्होंने बहुत जो है उनको फूड प्रोवाइड की है, किया है वॉर की सिचुएशन में तो उसके बेसिस पे ये दिया गया है और यहाँ पे अब जो आर्टिकल है वो थोड़ा आगे की भी बात करता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी मोर देन अ क्वार्टर मींस वन फोर्थ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अंडर uh, नरिशमेंट जो है अंडर uh, नरिशमेंट uh, उनमें है और जो सीरिया है उसमें फ़ोर पॉइंट सिक्स मिलियन पीपल जो हैं वो अभी भी फूड एट के ऊपर रहते हैं लोगों की जो लोग जो उनको हेल्प करते हैं फूड के लिए उसी के बेसिस पे वो रहते हैं तो अब यहाँ पे जो बिग कंट्रीज़ हैं जो स्ट्रांग कंट्रीज़ हैं उनको अच्छा कमिटमेंट करना चाहिए तभी ये जो है वो मिलियंस लोगों को ये खाना खिलाया जा सकता है और अगर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने जो एम है उनका उस पे अगर आ, सफल हो जाता है तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टू है दैट इज़ एरेडिकेट हंगर वो भी पूरा हो सकता है तो इसके बेसिस पे ये आर्टिकल था नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोमिस्ड फ्री व्हीकल्स फंड्स इट्स ऑल फेक्स जैसे आप सोशल मीडिया वेबसाइट कोई भी जो ट्विटर है फेसबुक है इंस्टाग्राम है कुछ भी आप खोलते हैं उसमें आप सर्च करेंगे कि फ्री व्हीकल्स पॉलिसी गवर्नमेंट की तो ये सारी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उसके बेसिस पे अपना जो है वो पैसे मांगते हैं ऐसे कभी कभी उनका जो मॉडर्स ऑपरेंडी है मतलब वर्क करने का स्टाइल होता है सबसे पहले वो एक फेक मैसेज भेजते हैं कि आपका इस इस स्कीम में एनरोलमेंट करना है तो उसके लिए आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे तो फिर वो व्यक्ति है जो पैसे जमा करता है उससे वो तब तक बात करते रहते हैं जब तक कि पैसे नहीं आ जाते जैसे ही उसके पास से उनको मोनिट्री बेनिफिट होता है दे लीव द पर्सन तो और यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया हुआ है कि एक ग्राम विकास रोज़गार योजना करके जो है वो तेलंगाना में सरपंच को डायरेक्टली लेटर भेजे गए और उसके बेसिस पे उनसे बोला गया कि आपके ब्लेज में जितने भी लोग हैं उनसे ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ सबमिट करवाइए और वो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ जब आप सबमिट कर देंगे तो उनको जो है इस स्कीम में एनरोल कर लिया जाएगा तो ब्लेज के जो सरपंच थे उन्होंने बिना बिना पता लगाए कि वो स्कीम लेजिटेमेट है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि नहीं उन्होंने डायरेक्टली जो बहुत सारे जो वहाँ के जो वहाँ का लोकल यूथ था विलेजेस का उन्होंने डायरेक्टली पैसे दे दिए अब वहाँ पे उनके पास ना उनका कोई इंटरनेट आ, के बारे में उनको पता था कि वो जो पर्सन है जो पैसे ले रहा है उसका क्या कैसे वो उस पर रीच कर सकते हैं कोई डिजिटल ट्रेस भी नहीं था उसका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था कोई लेटर्स भी नहीं और कोई एड्रेस भी नहीं तो इसके बेसिस इस पे बहुत सारी जो फेक गवर्नमेंट जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ख़ुद भी लॉन्च नहीं करती ऐसी जो स्कीम है वो लॉन्च कर दी, तो कर दी जाती है जैसे कि पी एम स्कूटी योजना तो अब यहाँ पे जो है बहुत सारी स्कीम जब लॉन्च कर दी जाती हैं ऐसी तो ये जो है वो लोगों का जो डाटा है उसके बेसिस पे उनको जहाँ से भी वो डाटा पे एक्सेस मिलता है उस डाटा को वो ले लेते हैं जैसे कि यूट्यूब है फ़ेसबुक है इंस्टाग्राम है जहाँ पे भी अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो लोग बहुत ही ईगरली रहते हैं वो उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड पैन कार्ड अपना मोबाइल नंबर एवरी थिंग देर राइट देयर एंड उसके बेसिस पे उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पर्सनल डेटा है उस तक उनका एक्सेस हो जाता है तो उसके बेसिस से फिर वो लोगों को जो है वो परेशान करते हैं देन नेक्स्ट अब गवर्नमेंट को इस पर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसका जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है वो अलग अलग जो भी फेक न्यूज़ है उसका फैक्ट चेक करता है बट उसका रीच वाइडर पॉपुलेशन तक नहीं है बिकॉज़ फेक न्यूज़ स्प्रेड मोर देन रियल न्यूज़ तो फेक न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती तो उसके बेसिस पे उसका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और अदर स्टेट गवर्नमेंट उनका तो है फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव लेकिन उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है तो आज की ज़रूरत यह है कि कंसर्टेड एफ़र्ट जो स्टेक होल्डर हैं उनको एक एफर्ट लगाना चाहिए जिससे कि जो चीज़ें हैं वो लोगों की नज़र में आए कि क्या जो रॉन्ग है और क्या राइट right है अब इस्टार्टर्स जो भी सबसे पहले गवर्नमेंट को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी बनाना चाहिए जहाँ पे जो लोग हैं अगर उनको ऐसी कोई भी स्कीम मिलती है जो फ्रेड्यूलेंट है तो उसके बेसिस पर वो उसको कॉल कर सकें और फिर वहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो एजेंसी है वो इस्टेट गवर्नमेंट को वो आ, केस ट्रांसफ़र कर दे जिसके बेसिस पर स्पीडी रिड्रसल हो सके और साथ में कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो सके तो गवर्नमेंट फिर फ्यूचर में जो है लोगों को अवेयर करे कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की गई थी अब जो सोशल मीडिया जो है और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं जैसे कि फेसबुक ट्विटर इनकी जो पॉलिसीज़ होती है हेट स्पीच को लेके या अदर चीज़ों को लेके जैसी पॉलिसी उनकी उस चीज़ में है वैसी पॉलिसी उनको ऐसी जो फेक फेडरल इंफॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं उसके बेसिस पे भी होना चाहिए ऐसा कंटेंट उनको पेस्ट नहीं करने देना चाहिए अब फेक जो स्कीम्स हैं पॉलिसीज़ हैं वो चलती हैं ऐसी वेबसाइट्स है जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं जो वेबसाइट होती हैं गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट को ऐसा टाइम टू टाइम जो है उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है कोई ऐसा पेज तो नहीं है जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है लोगों को गलत दी जा रही है आपने सुना होगा जब पीएम केयर्स फंड लॉन्च हुआ था तो उसके बेसिस पे दूसरे दिन से ही पीएम केयर्स उसमें जो सी ए आर ई है उसकी स्पेलिंग को सी ए सी -E ए आर करके उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों से लाखों रुपए एस बी आई के बैंक अकाउंट में ही ले लिए गए थे तो लोग बहुत जल्दी जो है उनकी बातों में ऐसे आ जाते हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है प्रिंट और ब्रॉडकास्ट तो करना ही चाहिए जो भी जेन्यून स्कीम है और साथ में लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में भी इन्फॉर्म करते रहना चाहिए कि ये जो फेक न्यूज़ हैं वो बहुत ये कोई ऐसी लॉन्च नहीं की गई हैं तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है नाउ नेक्स्ट आर्टिकल दैट रेड अलर्ट फॉर कोस्टल कर्नाटका जो कोस्टल कर्नाटका है उसमें रेड अलर्ट जो है वो बताया गया है अभी थोड़ी देर पहले नोट्स के बेसिस पे डिस्कस किया था कि जो रेड अलर्ट है वो क्या होता है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव नेचर में हो जो आने वाला टाइम है उसमें जो रेलवेज हैं बसेज़ हैं उनको ब्लॉक करना पड़े जो रोड्स हैं वो टूट जाए तो उसके बेसिस पे ये है दैन नेक्स्ट वन इज़ ब्लू फ्लैग टैग फॉर कासारगुड एंड पाडूबिडरी बीचेस तो जो ब्लू ब्लू फ्लैग जो है टैग मिलने वाला है दो बीचेस को जो कि कर्नाटका में आते हैं और ये जो है इंटरनेशनल एजेंसी जो है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क ये देती है इसके बेसिस पे जो बीच है वो बहुत ज़्यादा ही आ, क्लीन होती है वहाँ पे हाइजीनिक वा, वाथिंग वाटर होता है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है आसपास कोई भी है जारडस इंडस्ट्री नहीं होती है तो उसके बेसिस पे ये जो है ब्लू फ्लैग रजिस्ट्रेशन दिया जाता है अब नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये अभी एट बीचेस हैं जो इनको दिया गया है जो कि शिवराजपुर इन गुजरात सोंगला इन दमन द्वीप कासारगोड इन पिडूबिड्री बीच इन कर्नाटका कापड़ इन केरला रूसी कोंडा इन आंध्र प्रदेश गोल्डन बीच इन उड़ीसा एंड राधा नगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है उन बीचेस को दिया जाता है जो कि कंसीडर की जाती हैं क्लीनेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिके सर्टिफिकेशन है वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज वॉल्ट्री इको लेब्स लेबल्स अवॉर्डेड टू बीचेस मरीन सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स तो उसके बेसिस पे ये दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना एक सिस्टम लॉन्च किया है इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च इंडिया ओन इको लेबल भीम बीच एनवायरमेंट एंड एस्केटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तो दिस इज लॉन्च्ड बाय द सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉलेस्ट इंड क्लाइमेट चेंज अब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं पॉल्यूशन जो है कोस्टल वाटर्स में उसको कम करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीच फैसिलिटीज में प्रोवाइड करना और जो प्रोटेक्ट करना कंजर्व करना जो कोस्टल इकोसिस्टम है नेचुरल रिसोर्स हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिनेस जो है वो मैंटेन करना सेफ्टी और हाइजीन जो भी बीच गोवर्स हैं वो बीच पे जा रहे हैं तो उनकी जो सेफ्टी है उसके बारे में भी ध्यान रखना और उनकी हाइजीन के बारे में भी ध्यान रखना अब इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जो प्लान है उसके बेसिस पे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कोस्ट ड्यूरिंग द इंटीग्रेटेड अप्रोच रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोस्टल जोन इंक्लूडिंग जियोलॉजिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज जिससे कि सस्टेनेबिलिटी को अचीव किया जा सके ये जो कॉन्सेप्ट है आई सी जेड एम का वो बॉर्न हुआ था 1992 में ड्यूरिंग द अर्थ समिट फॉर रियोडी जेनेरियो जो स्पेसिफिक रिगार्डिंग आई सी जी है वो एजेंडा ट्वेंटी वन के अंडर हुए थे अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है और इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी सपोर्ट करती है अब नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट मैनेजमेंट चेन्नई इज़ प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक एंड टेक्निकल इनपुट्स तो ये न्यूज़ थी नेक्स्ट वन इज हर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है देन स्कूल का जो क्लोज़र है अभी लास्ट सिक्स मंथ से मार्च से ही स्कूल क्लोज है जब एग्जाम होने वाले थे तो एग्ज़ाम के जस्ट आफ्टर स्कूल जब ओपन होने वाले थे अप्रैल में तब से ही स्कूल क्लोज हैं सिक्स मंथ हो चुके हैं तो उसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है उसके बेसिस पे ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं उनको आगे चल के ये जो सेवन कंट्रीज़ हैं उनको आगे चल के बहुत लॉस हो होने वाला है और इंडिया जो है उसको फोर ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स जो हैं उनका लॉस होने वाला है जिससे कि आ, ये लॉस इस तरह से होगा कि जो पर्सनस हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में 5.5 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 55 फ़ाइव जो हैं वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे और पूरी तरह से साउथ एशिया में सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टू बिलियन की जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं उनमें इफेक्ट आएगा दन एक्ट फिफ्टीन आर टी आई एक्ट क्रिपल्ड बाई यूज बैकलॉग जो आर टी आई एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके फिफ्टीन ईयर्स कम्प्लीट हो गए हैं और इसको फोर्स में आए हुए टोटल फिफ्टीन ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी टू पॉइंट टू लैख जो केसेस हैं वो पेंडिंग है एट द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उधर पे टू पॉइंट टू लैख जो केसेस हैं वो अभी भी हैं और ये सबसे हाईएस्ट बॉडी है अपनी जो इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए जहाँ पे जो पर्सन है वो जाता है तो वहाँ पे टू पॉइंट टू लैख जो केसेस हैं वो बाकि हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मुंबई महाराष्ट्र है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो केसेस हैं वो पेंडिंग है फिफ्टी नाइन थाउजेंड सम उत्तर प्रदेश इस तरह से और इधर पे लोगों को जो है महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है तब जाके उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको मिल पाती है देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रम्प क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम वायरस हेड ऑफ कैंपेन इम्पॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ देन चाइना ग्रांट्स नाइन्टी मिलियन टू श्रीलंका आफ्टर विजिट बाय द ऑफिशियल जो चाइना है वो नाइन्टी मिलियन डॉलर्स जो है वो श्रीलंका को उन्होंने ग्रांट दी है तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि चाइना जो है वो अगर श्रीलंका से अपना जो कोलाबोरेशन है वो बढ़ाएगा तो वो इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है देन देख लेते हैं जो आंसर्स जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर्स जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था दैट इज़ कि जो सफ़र है वो एक स्पेसिफिक एयर क्वालिटी सिटी से मेज़र करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से बेसिस पे है तो इसका आंसर जो है ए मीन्स ओनली वन इज़ करेक्ट क्योंकि जो सफ़र है वो एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और वहाँ पे क्या लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो ये इनिशिएटिव किसका है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का और सिस्टम जो है वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है इंडिया में ही डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और ऑपरेशनलाइज्ड होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको ऑपरेशनलाइज करता है और रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडिकेट इंडेक्स देता है विथ कलर कोडेड इंडिकेटर और ये सेवेंटी टू आर्स पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को डेसीफर कर देता है बता देता है दैन नेक्स्ट इसफॉमे है कि वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम के बारे में ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है और ये टू थाउजेंड फाइव में बनी थी सुनामी के बाद तो एक्सप्लेनेशन है इसका कि ना तो इसका वन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना ही सेकेंड जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो 1961 में फाउंड हुई थी और इसका इनिशियल मैंडेट सिर्फ थ्री इयर्स का था बट बाय 1965 जो वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम है उसने अपनी जो बर्थ है उसको प्रूव करते हुए उसको आगे और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया इट वॉज एनश्राइन एज अ फुली फ्लैज यू प्रोग्राम अनलाइक द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू एफ जो है वो कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वैसी कोई ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच